નમસ્કાર, TV9 સમાચાર સાથે હું છું નરેન્દ્રસિંહ. મહત્વના સમાચાર. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ હવે રાહુલ ગાંધી ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. કેન્દ્રીય પ્રધાન સિંધિયા, કે જેઓ અગાઉ એક સમયે રાહુલ ગાંધીના ખાસ દોસ્ત મનાતા હતા, તેમણે કહ્યું છે કે પહેલીવાર કોઈની સદસ્યતા રદ નથી થઈ. રાહુલના જામીન માટે કોંગ્રેસની આખી ફોજ ગઈ હતી. સીધા પ્રહાર કર્યા છે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ રાહુલ ગાંધી પર. मानित करें, विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं. मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है. ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा. बहुत बहुत धन्यवाद.